पुलिस वाले लाइट दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, देखते हैं। साहब क्या हाल है? लखनऊ से? काफी दिन बाद लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा गंदा वाला ट्रैफिक है, आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है, गाड़ी के साथ में आवाज भी लड़खड़ाने लगी। अभी हूँ मैं लखनऊ में, सामने देख रहे हैं अब ये विधानसभा आए थे। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि एक लॉन्ग राइड की प्लानिंग चल रही है और आए हैं दो बाइक हैं, उनका मूड बना के उनमें से एक कोई फाइनल करनी है। तो बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि ये कोई नई बाइक आने वाली है, वो कौन सी है, कैसी है, ये एक सरप्राइज है। आज ही उसको बुक कराएंगे, पहले लूंगा टेस्ट राइड कि देख लें दोनों में टूरर कौन सी है, कौन सी ज़्यादा बेहतर होगी मेरे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा, टेस्ट राइड लेनी पड़ेगी, आफ्टर देन फिर आज ही बुक करा के मूड है उसको 2-3 दिन में लेने का। देखते हैं कि अभी कौन सी फाइनल करते हैं हम लोग। और ये सामने बड़ी सी बिल्डिंग जो आप देख रहे होंगे, जो नए हैं मेरे चैनल पे, जो लखनऊ से रूबरू नहीं है, उनके लिए बता दूं ये सामने भाजपा कार्यालय है, इधर ये विधानसभा है। तो चलते हैं अब शोरूम की तरफ, हजरतगंज में खड़े हैं, यहाँ से निकलेंगे शोरूम। इतना आपको हिंट दे रहा हूँ कि बजाज की है और एक यमहा की है, दोनों में से देखें कौन सी हम लोग फाइनल करेंगे। शोरूम पहुंच के फिर आपको बता। केस हो गया है, हम लोग गए और टाइम आ गया है अब उसको राज से पर्दा हटाने का। और अभी टाइम हो रहा है 4:50। पूरे दिन टहलने के बाद पहले तो R15 लेने का मूड बन रहा था, लेकिन थोड़ी दूर चलाई वलाई गाड़ी, मज़ा नहीं आया। जब टूरर नहीं लगी, मुझे नहीं लगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर तक जा पाऊँगा। तो फिर मैंने बजाज डोमिनोर 250 CC लेने की प्लानिंग की और बहुत ढूंढा, सारे डीलरों को फ़ोन कर डाला, कहीं गाड़ी नहीं मिल रही थी वो। तो अब जाके फाइनली एक है हमारे डीलर रायबरेली रोड पे। तो आए तो सिर्फ आज बुक कराने के मूड से थे कि बुक करा के और उसकी प्रॉपर डिलीवरी लेंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे, तो वो सब तो नहीं। और आए थे सिर्फ बुक कराने, लेकिन अब मूड बना लिया कि गाड़ी लेके जाएंगे। तो देखते हैं, शोरूम पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है वहां पे। और 5:30 बजे पहुंचना है, 4:51 हो गया है, 5:30 बजे के आसपास शोरूम बंद हो जाएगा। मैंने उन्हें बोल तो दिया है पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो और कुछ फंड भी उनको ट्रांसफर कर दिया है, तो पेपर वर्क वो कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं उधर। अभी है इस समय हम लोग, ये रोड है लावाड़स वाली, हाँ ये मुख्यमंत्री आवास जाएगी रोड यहाँ पे है। और आगे आगे भ्राताश्री है बड़े भाई और पीछे हम हैं। पहुंचते हैं शोरूम, देखते हैं क्या सीन बनता है। कोशिश रहेगी कि आज ही बाइक की डिलीवरी ले ली जाए और लेके घर निकल लें टाइम से। ये है कैंट, लखनऊ कैंट में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग कैंट होते हुए जा रहे हैं रायबरेली रोड, तेली बाग के पास में है वो शोरूम जहाँ से हम लोगों को बाइक उठानी है। और हो गया रेड सिग्नल, 14 सेकेंड, 12 सेकेंड, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
आक्रमण। चलो कम से कम यहाँ पे भी लोग ट्रैफिक लाइट का पालन तो कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइट छूटती है या जब रेलवे क्रॉसिंग के फाटक खुलते हैं, मजा ही आ जाता है। ऐसा लगता है पुराने जमाने की जो हम लोग वो देखते थे महाभारत और ये सब, उसमें आक्रमण होता था, आक्रमण दोनों तरफ से सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, वैसा ही वाला सीन कुछ हो जाता है उन्हीं के सामने। फाइनली मंजिल पे पहुंच चुके हैं। चले भाई साहब अंदर आइए, सोफे में बैठे, क्या बात है। चलिए लग रहा है महाशिवरात्रि आने वाली है और हम लोग हैं इस समय पुराने लखनऊ में। गाड़ी की डिलीवरी तकरीबन हम लोगों को मिली 8 बजे पे। डिनर का प्लान बना हम लोगों का, तो हम लोग यहाँ के एक बहुत फेमस है रहीम करीम सॉरी करीम करीम, तो करीम के यहाँ हम लोगों ने फिर खाना खाया और खाना खा के अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। अभी यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर हम लोगों का बाकी है और मजे आ रही है डोमिनोज चला के। और ये सामने है रूमी गेट और ये है मेरी रॉयल एनफील्ड, चला रहे हैं इसको सलमान जी। ये है रूमी गेट, काफी खूबसूरत नजारा होता है यहाँ का दिन में। गजब की चहल पहल होती है, वीकेंड में तो बहुत ही ज्यादा मजा आती है यहाँ पे। काफी अच्छी जगह है घूमने लायक ये। लखनऊ से लग रहा
है, यूट्यूब ब्लॉगर, तो ब्लॉगिंग चलती रहती है। राइडर वाइफ शशांक। एक्चुअली क्या, इसी से केदारनाथ बद्रीनाथ लद्दाख सब किए हुए हैं, तो चलना पड़ता है इतनी लाइट लगा के। अपना 7376666066 यही कैसरेगंज के हैं। वाह, SDFC के बगल में घर है जी। धन्यवाद। तो एक ये छोटी सी पूछताछ थी, कुछ पुलिस वाले ले रहे थे इंटरव्यू टाइप का। हाँ, तो उस गाड़ी का डिटेल रिव्यू बनाएंगे। तो फाइनली पहुंच गए घर, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मैं राइडर वाइफ शशांक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको ज़रूर दबाइए।